हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? पिछले आप लोग वीडियो जो बनाए थे उसमें मज़ा आया कि नहीं? नहीं है? चलिए, बहरहाल आज हम लोग किचन से रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। आज हमारी देवी जी कुछ किचन में काम कर रही है, क्या कर रही है, क्या बना रही है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या बना रही है उसके बारे में देखा जाए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए किचन में। हाँ, आज नाश्ता में क्या बना रही हैं? चाउमीन। चाउमीन, चाउमीन बना रही हैं। देखिए अच्छा, चाउमीन में क्या कैसे कैसे क्या कहता है ये सब कुछ बतलाएंगे? कुछ नहीं बतलाएंगे, ये करिए कुछ भी नहीं बतलाएंगे। फिर भी हम लोग देखिए समझेंगे अपने से कि क्या क्या। ये देखिए चाउमीन का पैकेट ले ली है, ये है चाउमीन का पैकेट, ये है, ठीक है, ये चाउमीन का पैकेट ले ली है। अब इसको देखिए पानी में डाल दिए हैं इसको उबालने के लिए, कम आंच पर इसको देखिए उबालना शुरू कर दिए हैं। देखिए देवी जी अब मटेरियल तैयार कर रही हैं। मटेरियल में प्याज काट लिए हैं, शिमला मिर्च काट लिए हैं, देखिए अब टमाटर काट रही हैं, वो दो पीस हरा मिर्च भी काटी हुई हैं। मिर्च कितना काटी हो? दो पीस हरा मिर्च और टमाटर दो पीस टमाटर भी काटी हैं। शिमला मिर्च एक बड़ा साइज में शिमला मिर्च एक पीस काट लीजिएगा। और प्याज कितना लियो? तीन पीस बड़ा साइज में प्याज काट लिए। अभी मटेरियल देखिए दोस्तों, अब गैस बंद हो गया है। चाउमीन चाउमीन हो गया है। चाउमीन देखिए धुलने के बाद आप देखिए इसको थाली में निकाल कर हल्का हवा लगने के लिए छोड़ेंगे। तेल भी डाल दिए, तेल डाल दिए इसमें। अब देखिए ये थोड़ा सा जीरा डाली है, ये हरा मिर्च डाल दी। अब इसमें प्याज प्याज भी पड़ गया। प्याज को डालने के बाद हल्का सा इसको स्पून से चला कर इसको भूनना है, हल्का सा लालिमा पकड़ने के पश्चात तो टमाटर और शिमला मिर्च डालना है। देखिए दोस्तों, प्याज हल्का सा लाल होने के पश्चात अब शिमला मिर्च पड़ गया। देखिए अब दोस्तों टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसको बढ़िया से चला कर फिर इसको हल्का सा भूनने के लिए तोप देंगे। ये देखिए अब मसाला, कौन सा मसाला? ये अशोक मीट मसाला डाल रही हैं। और भी कुछ पड़ेगा इसमें? इसके बाद चाउमीन मीट मसाला, चाउमीन मसाला, सॉरी चाउमीन मसाला डालेंगे, जो कि ये रखा हुआ है। देखें ये चाउमीन मसाला है। ये भी इसमें डालनी है, एक पैकेट इसको डाल देना है, एक पैकेट अशोक मीट मसाला है। अब इसको बढ़िया से चला लेना है। देखिए दोस्तों, अब चाउमीन डालने की बारी आ गई है। ध्यान दीजिएगा, चाउमीन धीरे धीरे पूरा चारों तरफ फैला कर डालना है। बराबर कर रही हैं। बढ़िया से इसको मिलाने के पश्चात, देखिए अच्छी तरह से मिलाने के पश्चात अब नमक अपने स्वाद अनुसार, कोई थोड़ा तेज़ खाता है, कोई थोड़ा कम खाता है, अपने हिसाब से नमक डाल दीजिएगा लोग। ये दोस्तों अब देखिए इसमें नहीं है, उसके बाद इसको लाकर पकने के लिए छोड़ दीजिए। बढ़िया से देखिए मिल छोड़ देंगे। अब देखिए
देखिए दोस्तों, अब हमारा चाउमीन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फाइनली दोस्तों देख रहे हम, तो फाइनली दोस्तों चाउमीन बनकर मेरा तैयार। अब देखा जाता है कैसा टेस्टी है कि नहीं। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये चाउमीन का रेसिपी कैसे बना है अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर से करिए।